दोस्तों, राजस्थान में शराब की दुकानों को लेकर आए दिन हम लोग खबरें सुनते रहते हैं और ये हम देखते भी हैं कि शराब की दुकानें रात को 8 बजे के बाद भी खुली रहती हैं। ये खबरें और ये बात आम बात सी हो गई है क्योंकि राजस्थान में आबकारी विभाग की ओर से कोई सख्ती से कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसके चलते ये शराब की दुकानें जो खुली रहती है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूँ वो हालांकि इस संबंध से ही जुड़ी हुई खबर है, लेकिन खबर में एंगल कुछ नया है। दरअसल आज से कुछ महीने पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक क्राइम बैठक की थी और उस बैठक के बाद सख्ती से ये आदेश दिए थे कि किसी भी जिले में किसी भी जगह पर अगर रात को 8 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली रहती हैं तो संबंधित SHO और वहाँ के SP के खिलाफ भी सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जाएंगे। जिसके बाद से पूरे राजस्थान भर में एक ही मैसेज दिया था मुख्यमंत्री ने, मैसेज देने की कोशिश की थी कि शराब की दुकानें अब राजस्थान में जो हैं वो 8 बजे के बाद खुली नहीं रहेगी, हर दुकानें बंद मिलेगी। लेकिन उसकी जो प्रभावी कार्रवाई है वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखी। एक दो दिन लोगों ने और अलग अलग जगहों पर ये चीज़ सामने भी आई कि लोग 8 बजे के बाद दुकानें खुली नहीं रखते हैं, बंद भी थी। लेकिन उसके बाद से वही बंदर बांट वाला खेल शुरू हो गया और लगातार रात को 8 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली रहने लगी। जब अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में जब ये चीज़ लगातार सामने आई तो अलग अलग मीडिया हाउसेस द्वारा इस चीज़ों की खबरें की गई कि बाड़मेर में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है और कई मीडिया के साथी वहाँ पर अगर खबर करने भी जाते थे तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई थी, अगर चाहे बालोतरा की बात करें, अन्य जगहों की बात करें। लेकिन लगातार जब ये खबरें चली तो जिला पुलिस अधीक्षक ने कदम उठाया और पुलिस के जितने भी SHO हैं उनको कहा कि शराब की दुकानें जहाँ खुली रहती हैं, एक आबकारी एक्ट के तहत एक अधिनियम नियम ऐसा है कि कोई भी पुलिस कर्मी हो, पुलिस अधिकारी हो, वो शराब की दुकान के अंदर जाकर के कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। ये आबकारी का नियम है, उसकी कार्यवाही आबकारी विभाग के अधिकारियों को ही करनी पड़ती है, आबकारी निरीक्षक हो चाहे आबकारी अधिकारी हो। लेकिन ऐसे में लगातार इस प्रकार की दुकानों को खुली रहने की खबरें सामने आने लगी और ये शिकायतें आने लगी तो जिला पुलिस अधीक्षक ने, हमारे सूत्रों से ये अहम जानकारी हमें मिली है कि जिला पुलिस अधीक्षक ने संबंधित सभी SHO को कहा कि अगर भी आपको कहीं पर भी रात को 8 बजे के बाद शराब की दुकान खुली मिलती है तो उसका आप फोटो खींचिए, उसकी प्रिंट निकालिए और उसके बाद हम ये फोटो प्रिंट जिले के आबकारी अधिकारी को भेजेंगे कि देखिए आपके क्षेत्र में ये दुकानें खुली और इन पर कार्रवाई कीजिए। ये शुरुआत जैसे ही हुई तो बाड़मेर के जिला पुलिस अधीक्षक ने बाड़मेर के आबकारी अधिकारी को 4 बार सबूतों सहित पत्र लिखे और ऐसा बताया कि आपके क्षेत्र में आप रात को 8 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली रहती है और सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश हैं कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और हमारे नियम के अनुसार हमारे अधिकारी दुकान के अंदर जाके कार्रवाई नहीं कर सकते। हम एक बार दुकान तो बंद करवा सकते हैं लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग अपनी दुकानें खुली रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद आबकारी विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आबकारी विभाग के अधिकारियों को किसी न किसी प्रकार की लालच है, या तो आबकारी विभाग मेहरबान है या फिर आबकारी विभाग मजबूर है। दोनों में से एक बात तय है कि आबकारी विभाग इसलिए सरकार और SP के पत्रों के बावजूद किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते हैं। और इसको लेकर जब हमने बाड़मेर के जिला आबकारी अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो ये अपने सवालों से बचते नजर आए और उन्होंने झूठ मूठ में ही बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, रात को 8 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली नहीं रहती हैं और जब शिकायतें मिलती हैं तो हम कार्यवाही करते हैं। अगर आप कार्यवाही करते हैं तो SP के 4 पत्रों के बावजूद आपने कार्यवाही क्या की और क्या नहीं की, तो क्यों नहीं की, इसका जवाब शायद आबकारी अधिकारी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के साथ, शराब ठेकेदारों के साथ आबकारी विभाग की साठगांठ हो सकती है। अब जरा सुनिए कि आबकारी विभाग के अधिकारी ने इसको लेकर क्या कहा है और तस्वीरें आपको पता है कि किस तरीके से रात को 8 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली रहती है या नहीं रहती है। शुक्रिया। CM साहब के जो निर्देश दिए गए थे उसकी पालना में कंटिन्यूस गश्त हो रही है और उसमें ड्राई डे के दिन बाड़मेर में 3 केस दर्ज किए गए। कंटिन्यूस उसके बारे में गश्त जारी है, तीनों आबकारी निरीक्षक को पाबंद किया गया है, गश्त जारी है और अगर ऐसा कोई पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कवरेज जिनके लिए जाते हैं तो वहाँ पे पत्थर बरसाए जाते हैं जो शराब विक्रेता होते हैं उनके द्वारा, उस पर भी क्या आपका ही द्वारा कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी?
अगर कोई ऐसी घटना आती है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, और अगर ऐसी कोई नज़र में आती है तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। पिछले एक दो सप्ताह पहले ही ऐसी कुछ देखने को मिला था। हुई थी कि जब रात को ठेके खुले थे उसकी कवरेज करने के लिए मीडिया बंधु गए थे और उन्होंने पत्थर भी बरसाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन पैदा होती है।